राजधानी जयपुर के पांच सितारा होटल क्लार्क्स आमेर में 2 करोड़ की ज्वेलरी और कैश चुराने वाले सातिर बदमाश की पहचान जयेश रावजी सेजपाल के रूप में हुई है। गुजरात में जूनागढ़ का रहने वाला जयेश इन दिनों मुंबई में रह रहा है और वह पांच सितारा होटल में होने वाली बड़े परिवारों की शादी को ही निशाना बनाता था। आरोपी जयेश के खिलाफ हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, उदयपुर, कानपुर, आगरा और चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में पांच सितारा होटल में चोरी केस दर्ज है। वह हर बार एक ही पैटर्न पर चोरी की 13 वारदात कर चुके हैं। पर्राटेदार अंग्रेजी और दूसरी भाषा बोलने माहिर जयेश होटल में फोन कर 20-25 कमरे एक साथ बुक करवाने के बहाने वीआईपी शादियों के लिए बुकिंग की जानकारी जुटा लेता था और इसके बाद उस शहर में पहुँचने के लिए ज़्यादातर बस से ही सफ़र करता था। जयेश 5 सितारा होटल में मेहमानों के आने का इंतजार करता है और उसके साथ ही वह मेहमानों के साथ ही एंट्री करता है। जयेश इतना साथी रहे कि रिसेप्शन के आसपास खड़ा रहकर वह लगेज ट्रैकिंग के वक्त मेहमानों पर नज़र रखता है। कौन किस कमरे में रुकेगा और किसके पास क्या सामान है, कौन सा सामान मेहमान अपना सामान को होटल कर्मी को नहीं सौंप रहा है, वह यह सब देखता और फिर उस मेहमान को टारगेट कर कमरा नंबर नोट कर लेता था। जब मेहमान शादी समारोह में चले जाते तब जयेश होटल में कमरे वाले का नाम बताकर लॉक खुलवाता था और उसके बाद वारदात कर वहाँ से फरार हो जाता था। वह उदयपुर और जयपुर से पहले जोधपुर में भी साल 2013 में वारदात कर चुके हैं। वह सबसे पहले साल 2006 में आगरा से गिरफ्तार हुआ था और अंतिम बार वह चंडीगढ़ से पकड़ा गया था। देश के कई बड़े शहरों में 5 सितारा होटल में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका जयेश को पुलिस अब गिरफ्तार करने में जुटी हुई है।